नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। जैसा कि आपको पता है, हर चीज़ें सीक्वेंस में चल रही हैं, उसी सीक्वेंस में हम लोग पहुंच चुके हैं रोटेशनल मोशन के पास। तो रोटेशनल मोशन के पास पहुंचने के बाद आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आज का लेक्चर आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि आज के बाद से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कभी नहीं भूलने वाले। इससे पहले आपने अगर रोटेशनल मोशन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में है, उसको आपको जाकर देख लेना है। अभी तक बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, उन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है और जाइए वहाँ पर उसे इंजॉय करिए। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसा कि इसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंट्रोड्यूस करने से पहले मेरी जान हम लोग थोड़ा सा और मोमेंट के बारे में जान लेते हैं। वो है पहला, मोमेंट ऑफ मास क्या होता है, मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ये सभी चीज़ें। उसके बाद हम लोग देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। जैसा कि हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ में पढ़ लिया था कि इनर्शिया एक किसी भी ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, ये सभी किताबों में लिखा हुआ है, ये आपने भी पढ़ा है कई बार। तो एक्चुअल में इनर्शिया क्या होता है, कैसे काम करता है, उससे पहले कुछ इमेज देखिए। ये एक इमेज देखिए, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है छोटा सा, ठीक है, एक ये बड़ा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, दोनों के मास अलग अलग हैं। अब दोनों के मास अलग अलग हैं, इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि एक्चुअल में इनर्शिया कैसे काम करता है। तो इनर्शिया से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में मास क्या होता है। तो मास का मोमेंट क्या होता है, ठीक है, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे लगा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ मास क्या होता है, मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ लेंथ क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इन सभी को जानने के लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा और आगे तक चलना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपने पढ़ा था मोमेंट ऑफ मास क्या होता है, ये तो आपको पता है ना। तो मोमेंट ऑफ मास होता है जब कोई एक पॉइंट मास, पॉइंट मतलब चुन्नू सा मास पर हम फोर्स अप्लाई करें और करने के बाद में क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है, चलो छोड़ो, थोड़ा सा उसमें आते हैं। एक पॉइंट मास है, उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद में ये मास यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचा, जब हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। बहुत ही ध्यान से इन वर्ड्स को समझने की कोशिश करिए आप। यहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई किया, ये मास यहाँ से यहाँ पहुँच गया, मीन्स इसके पास कोई वेलोसिटी आ गई, कोई डिस्प्लेसमेंट आ गया, कोई एक्सेलरेशन आ गया। शुरुआत में यहाँ पे रुका हुआ था, इसके पास में वेलोसिटी ज़ीरो थी। फिर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, ये मास यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट हो गया, मतलब इसके पास में कुछ वेलोसिटी आई। और आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी इज़ द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इसके पास में आ गया, वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ओके, क्लियर, इतना हो गया, ठीक है। ठीक है सर, इसमें मास, मोमेंट ऑफ मास का है मेरे लाल, m इंटू वी क्या होता है, मास, मोमेंट ऑफ मास होता है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ मास यहाँ से यहाँ तक आ गया, और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, अप्लाइड फोर्स होता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना, तो परेशान नहीं होगी आप। तो मोमेंट ऑफ मास हो गया ये, ठीक है। आप कह रहे सर मोमेंट ऑफ एरिया बताइए, सर आपने कहा था मोमेंट ऑफ एरिया बताएंगे, हाँ बेटे लाल, मोमेंट ऑफ एरिया समझते हैं। किसी एक ऑब्जेक्ट, वही मैं उठाता हूँ डायरी अपनी, किसी एक ऑब्जेक्ट पर किसी एक्सिस की रिस्पेक्ट पे, ठीक है, ध्यान समझिए, किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में छोटे से एरिया, मीन्स छोटे चुन्नू से एरिए पर किसी भी डायरेक्शन के साथ में इंटीग्रल करने पर जो हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ एरिया कहते हैं। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपके लिए, देखिए अभी समझ में आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ मास समझ में आया क्या होता है, पी इज इक्वल एम इंटू वी होता है, इतना ठीक है ना, पी इज इक्वल एम इंटू वी, मोमेंट ऑफ मास पी इज इक्वल टू एम वी होता है, ये आपने पढ़ा है। किस में पढ़ा है, वन डायमेंशनल मोशन में पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ा है, और ये पढ़ा है न्यूटन्स लॉ में भी पढ़ा है, ठीक है। अब कहेंगे सर ये इनर्शिया आई, मोमेंट ऑफ क्या बोला, एरिया, तो मोमेंट ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी ए हो जाएगा, इंटीग्रेशन। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा r square dm, तीनों हो गए, मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
ठीक है ना। मोमेंट ऑफ लेंथ निकालनी हो तो कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ओनली एक्स, यहाँ पे लिखेंगे सी एम, काम खत्म। तो ये हमारा इतना हो गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये हमारे इतने मोमेंट हैं। अब एक्चुअल में मोमेंट का मतलब क्या है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है, कैसे हम डिफाइन करें कि ये इनर्शिया क्या है, एक्चुअल में क्या है, क्योंकि ये तो वर्ड्स में समझ में आ रहा, हाँ इनर्शिया हो गया। तो अब हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, जो मैंने पहले दिखाया था ना, चुन्नू सा ऑब्जेक्ट है, एक बुन्नू सा ऑब्जेक्ट है। छोटे वाले ऑब्जेक्ट का, ये चुन्नू सा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए चुन्नू सा ऑब्जेक्ट, इस चुन्नू वाले ऑब्जेक्ट का मास है m, ठीक है, और ये बुन्नू वाले मास का मास है m1, इस m2 m1, ठीक है ना, m2 m1 मास है दोनों का अलग अलग। अब इसके पास में है m1 मास, इसके पास में है m2 मास, ओके, इतना क्लियर, क्लियर है, ओके। हमने यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन का, सर ओके कर दीजिए अप्लाई, ये हमने किया 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई, यहाँ पर भी किया 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई, ठीक है, दोनों जगह पर हमने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और चेक किया कि ये इस वाली पोजीशन से इन्नू डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये भाई साहब डिस्प्लेस ही नहीं होते, मतलब अपनी जगह पर रुके हुए हैं, मतलब कह रहा मैं नहीं जाऊंगा कहीं पे, मेरे पास बहुत है पैसा, ये इतना डिस्प्लेस हुआ एस। फिर हमने क्या किया, इस फोर्स को बढ़ा दिया, 20 कर दिया, इसको भी 20 कर दिया, 20 करने के साथ में हमने देखा ये वाला भैया जो यहाँ पहुँच गया, ये वाला पॉइंट जो यहाँ पर था, ये वाला मास स्लिप होके यहाँ पहुँच गया और ये चुन्नू सा डिस्प्लेस हुआ, मतलब ये यहाँ से थोड़ा सा खिसक गया, यहाँ तक आ गया चुन्नू सा, ठीक है। अभी भी हमारा मन नहीं भरा था, तो हमने क्या किया, हमने इस पर फोर्स की वैल्यू और बढ़ा दी, हमने कर दिया 100 न्यूटन, इसको भी कर दिया 100 न्यूटन, तो ये क्या हुआ, ये हवा में उड़ने लगा, मीन्स बहुत तेज से चल गया, यहाँ से वहाँ तक पहुँच गया, और ये वाला कितना स्लिप हुआ, ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब कहेंगे सर ये आप बता क्या रहे हैं, ये क्या मजाक चल रहा है क्या, नहीं बेटे लाल, यहाँ पर समझो मैं ये बता रहा हूँ कि जिसके पास में ज़्यादा मास होगा, जिसके पास में ज़्यादा मास होगा उसके पास में ताकत ज़्यादा होगी, कौन सी ताकत ज़्यादा होगी, अपोज करने की ताकत। शुरुआत में देखो मैंने इसके पास 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, ये इतना स्लिप हुआ, ये स्लिप ही नहीं हुआ, मीन्स इसकी ताकत कम थी, इसके पास जो ताकत थी वो ताकत थी कम और इसके पास ताकत थी ज़्यादा, ठीक है, इसके पास में ज़्यादा ताकत थी, काहे की ताकत, दबाने की ताकत, अपनी स्थिति को चेंज ना करने की ताकत, है ना। महीने का मतलब ये है, महीने नहीं मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा अपोज कर सकता है अप्लाइड फोर्स के। जैसे हमने यहाँ पर एक न्यूटन का फोर्स लगाया तो हिलेगा ही नहीं क्योंकि इसका ज़्यादा मास है। आप इसको ऐसे समझिए, एक एक क्विंटल का बोरा ले लीजिए, ठीक है, या 50 केजी का, या एक 50 केजी का एक बांट लेके आइए और उस पर अपनी उंगली से ऐसे से दबाइए, क्या वो हिलेगा, नहीं हिलेगा, ठीक है। अब वही इस पर लगाइए, देखिए ये हिल रहा है, ये स्लिप हो रहा है, मीन्स इसका क्या है, इनर्शिया कम है और जो हैवी वेट था उसका इनर्शिया ज़्यादा है। किस ऑब्जेक्ट के साथ में कितना मैक्सिमम इनर्शिया होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, उसके मास पर डिपेंड करेगा। कहेंगे सर ओके इतना हो गया, ये तो एक इनर्शिया की बात हो गई, ये एक बॉडी है जिसके पास में इतना मास था तो इसके पास इनर्शिया था, ओके। अब कहेंगे सर इसमें आर और रोटेशनल मोशन का क्या है, मतलब है इसमें रोटेशनल मोशन, हम ये रोटेशनल मोशन में क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये। तो हमारा कहने का मतलब ये है सर, अगर आपके पास में एक फ्रीली बॉडी है यहाँ पर रखी हुई है, ये एक फ्री बॉडी है यहाँ पर रखी हुई है, अब इसको आपको उठाना है, इसको आपको स्लिप करना है या उठाना है, मान लीजिए कैसे उठा सकते हैं, अगर हम इसको यहां से उठाएं, सेंटर से ऐसे उठाएं तो हमें ज्यादा फोर्स लगेगा, कम फोर्स लगेगा, पहली कंडीशन। इस वाले फोर्स से उठाएंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा, कम फोर्स लगेगा, यहां से उठाएं, यहां से उठाएं, यहां से उठाएं, यहां से उठाएं, कहां से उठाएं कि हमें मिनिमम फोर्स लगाना पड़े, ठीक है, पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन, अभी हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी ऐसी है जिसके पास में बहुत सारे मास पार्टिकल्स अलग अलग हैं, मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी सरफेस पे, पूरे एरिया पे, पूरी लेंथ पे, तो हम उसका एक ऐसा पॉइंट फाइंड करते हैं जहां पर सारे के सारे मास एक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाली एक बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास इस जगह पर होगा, अगर हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी कैसे जाएगी, ऊपर जाएगी, और यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ऐसे पलट जाएगी,
ऐसे हो जाएगी ऐसे, ठीक है, और यहां पर अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी इधर चली जाएगी, यहां पर अप्लाई करेंगे तो इधर चली जाएगी, पर यहां पर जब अप्लाई करेंगे तो सीधी जाएगी। तो इस वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस वाले पॉइंट को कहेंगे सेंटर ऑफ मास। तो हमने यहां पर फाइंड किया सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास को हमने फाइंड कर लिया। अब सेंटर ऑफ मास को फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे यहां पर इसकी डिस्टेंस कवर करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सभी पार्टिकल्स की। देखिए ये वाला भी सभी पार्टिकल्स हो गए, ये वाला पार्टिकल हो गया और इसको हमने ऐसे मिला दिया, ये वाला पार्टिकल हो गया, सभी पार्टिकल अलग अलग हो गए। अब हम अगर इस वाली जगह पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बनाएगा एक टॉर्क, ये बनाएगा एक टॉर्क। उस टॉर्क का फायदा कहाँ मिलेगा, इनर्शिया में मिलेगा, इनर्शिया में टॉर्क का फायदा मिलेगा। सर ये क्या हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये एक मास है जो सेंटर ऑफ रोटेशन से, सेंटर ऑफ रोटेशन से कुछ पॉइंट की दूरी पर है, कुछ पॉइंट की दूरी पर है, तो मोमेंट ऑफ मास क्या कहलाएगा, तो मोमेंट ऑफ मास नहीं सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहलाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा क्या, सिग्मा सॉरी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ होल सरफेस मास। यहाँ पर जितने भी मास फैले हुए हैं सभी का इंटीग्रेशन ले लीजिए आप भाई साहब, ठीक है। फिर क्या कहेंगे, जितनी इनकी डिस्टेंस है परपेंडिकुलर तो टॉर्क बना सकती है उसका, उसकी डिस्टेंस का रेडियस का स्क्वायर कर दीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब कहेंगे सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम लोग पढ़ रहे थे, पर यहाँ पर आप फोर्स की बात कर रहे थे, बिल्कुल फोर्स की बात कर रहे थे, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास होता है, ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, ये हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन मोशन में। बट यहाँ पर भी हम लोग यही पढ़ेंगे, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा वही उसका मास होगा, ठीक है। इस वाले मास को हम क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी के पास में, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो उस पर अप्लाइड फोर्स का अपोजिशन करती है, बस यही आप याद रखिए। अपोजिशन करने के साथ में इसका एक फॉर्मूला बनाना था तो हमने फॉर्मूला दिया, डीएम आर स्क्वायर बना दिया। इसकी जगह पर अगर एक बॉडी हमारे पास ऐसी दी हुई है और इसके पास बहुत सारे पार्टिकल है, कौन से पार्टिकल, मास पार्टिकल अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये देखिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो इस सेंटर से सभी डिस्टेंस ले लो आर वन आर टू आर थ्री आर फोर और ये आर फाइव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, सिग्मा एम वन आर वन स्क्वायर प्लस ये लिखो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम वन आर वन एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर प्लस का एंड सो ऑन। मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स हो तो उन्हें हम ऐसे करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड कर सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करने का मतलब ये है कि हम ऐसी जगह पर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करते हैं जो उसके सेंटर ऑफ रोटेशन से जाती है या एक्सेस से जाती है। एक्सेस के लिए आपको पता है सभी सेंटर ऑफ रोटेशन पॉइंट्स मिल करके एक लाइन बनाते हैं, उस लाइन को हम कहते हैं एक्सेस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया इतना एम वन आर वन स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। यहाँ पर आर क्या है, जहाँ से एक फिक्स पार्टिकल, इसको हम आर सी एम भी लिख सकते हैं, इसको हम आर सी एम भी लिख सकते हैं, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इससे कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा इतना, तो ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आप क्या याद रखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जो उस पर अप्लाइड फोर्स को, उस पर लगने वाले फोर्स को हमेशा अपोज करती है, ठीक है। पहली कंडीशन, अगर वो किसी डायरेक्शन में जा रहा होगा तो उस डायरेक्शन को भी अपोज कर देगी, ठीक है ना, ऐसे भी कह सकते हैं। प्लस मोमेंट ऑफ मास लीनियर में पढ़ते हैं हम लोग, इसमें क्या पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, अगर यहाँ से मैं मोमेंट ऑफ मास निकालूँ, अगर मोमेंट ऑफ मास, तो मोमेंट ऑफ मास क्या हो जाएगा, एम आर हो जाएगा, ठीक है। और इस एम आर मास की रिस्पेक्ट के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ से एक रोटेशन पॉइंट है जिससे ये आर डिस्टेंस पर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या बनाएगा आप, ये बनाएगा आई। आई क्या है यहाँ पर, आई क्या है, आई यहाँ पर मास की तरह एक्ट करेगा, और लीनियर मोशन में मास की तरह एक्ट कौन कर रहा था, एम, और यहाँ पर रोटेशनल मोशन में मास की तरह कौन एक्ट करेगा, इनर्शिया आई, ठीक है ना। सभी बॉडीज़ की इनर्शिया अलग अलग होती है, उनकी एक्सिस की रिस्पेक्ट में वो सभी अभी हम लोग फाइंड करेंगे। इतना हो गया। अब कहेंगे सर यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बात हो गई, क्या हम इसको आई वन आई टू कह सकते हैं,
इस वाले ऑब्जेक्ट को आई वन, इसको आई टू, इसको आई थ्री कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट इस टाइप से है, उस ऑब्जेक्ट के बहुत सारे मास ऐसे दिए हुए हैं और ये है उसकी एक्सेस जहाँ से रोटेट हो रहे हैं, तो ये इसका हो गया आर वन, ये हो गया इसका आर टू, ये हो गया इसका आर थ्री, और ये हो गया इसका आर फोर, और ये हो गया आर फाइव। ठीक है, इन सभी को ऐड करके हम ऐसा बना सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो ये आपको याद रखना है। दूसरी बात ये भी याद रखना है कि अगर कोई एक बॉडी है तो उस बॉडी के पास में जितने भी मास पार्टिकल होंगे, जितने भी मास पार्टिकल होंगे वो सेंटर ऑफ रोटेशन से निश्चित रेडियस पर नहीं, अलग अलग रेडियस पर होंगे। और अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो एक फिक्स रेडियस को लेकर के वो वाला पॉइंट रोटेट होगा, पॉइंट ना कि पूरी बॉडी। ठीक है, इतना याद रखिए, ये हो गया इतना। अब चलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास क्या होता है? सबसे पहली बात, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि किसी भी बॉडी पर मास कैसे काम करता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी है, ओके, अब उस बॉडी के पास में मास है 10 kg, सपोज करिए। अब 10 kg मास के साथ में, 10 kg मास के साथ में क्या है, उसकी रेडियस भी है और उसके पास लेंथ भी है, विड्थ भी है, वॉल्यूम भी है, सभी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूस मास पे। कहेंगे सर ये क्या होता है कॉन्टिन्यूस मास, फिर इसी से बनेगा कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हो गया इतना। अब इसको हटाइए पहले। तो इससे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कॉन्टिन्यूस मास क्या होता है? तो कॉन्टिन्यूस मास को समझने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा मास का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किसी एक बॉडी के पास में एक मास है, मान लीजिए 10 किलोग्राम का उसके पास में मास है, 10 केजी का। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पहला कौन सा होगा? लीनियर। फिर दूसरा कौन सा होगा? एरियल। फिर तीसरा कौन सा होगा? वॉल्यूम। ठीक है, ये तीन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कैसे होंगे? अब सपोज करिए फिर से एक बार, आपके पास में ये एक पतली सी रॉड है, पतली सी रॉड है, ये कितनी लंबी है? माना हमने 10 मीटर की लंबी ये रॉड है। ठीक है सर, 10 मीटर की लंबी रॉड है और इस पर 10 किलोग्राम का, ये 10 किलोग्राम की है। ठीक है, यहाँ पे समझिए इसको, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए। ये हमारी एक रॉड है पतली सी, इसका नाम है ए बी, ए बी डी। ठीक है, और इसके पास एक मास है, मतलब ये कितनी भारी है, वो है 10 केजी की, 10 केजी की वेट है ये, और इसकी लेंथ कितनी है? 10 मीटर है। तो हमने कहा सर बताइए कि इसमें 1 मीटर लेंथ का मास कितना होगा इस रॉड का, मींस 10 सेंटीमीटर की ये है और इसका भार कितना है? 10 किलोग्राम, तो एक का भार कितना हो जाएगा बताइए। तो कहेंगे सर वेरी सिंपल, 1 kg, कैसे निकाला? भाग करके। तो देखो अगर हम इसके 10 टुकड़े कर दें, ठीक है, ये 2 टुकड़े हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6, 7, 8, 9, 10, 10 टुकड़े हो गए, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? इसकी लेंथ हो जाएगी कितनी? 1 मीटर, और इस पर कितना वेट आएगा? 1 मीटर, सॉरी 1 kg। अब 1 kg 1 मीटर, 1 kg 1 मीटर, 1 kg 1 मीटर, ऐसे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये डीएम, मतलब 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg, 10 बार जोड़ दिया, कितने हो गए? 10। इसे ही कहते हैं कॉन्टिन्यूस मास। ठीक है ना, तो ये यहाँ से लेकर छोटे छोटे मासों को जब हम ऐड कर देंगे तो वो क्या बनाएंगे? टोटल मास। छोटा सा मास लिया, उसको जोड़ दिया ऐसे करके, क्या बन गया? टोटल मास। अब ये लेंथ हो गई, तो इसी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू, इसकी जरूरत हमें आगे भी पड़ेगी इसलिए हम इसको अभी ले रहे हैं। ठीक है ना, लैम्डा इज इक्वल टू डीएम। डीएम क्या है आपकी? ये स्मॉल, मैं यहां पे बनाता हूं ना, ठीक रहेगा। ये हो गया हमारा एक पॉइंट ए और ये हो गया बी, बी हो गया। इसकी लेंथ है टोटल एल, टोटल लेंथ कितनी है? एल।
इसके पास मास कितना है, टोटल मास इसके पास है कैपिटल एम, ठीक है। हमने इसका चुन्नू समास लिया और चुन्नू समास है डीएम, इस मास का नाम क्या रखा, डीएम, और चुन्नू सी मास के लिए, चुन्नू से मास के लिए चुन्नू सी लेंथ ली, वो चुन्नू सी लेंथ कौन सी है, डीएल, ठीक है। तो डीएम बाई डीएल, ठीक है, क्लियर हुआ इतना, ये हो गया। या फिर लैम्डा इज इक्वल टू डीएम बाई डीएल इज इक्वल टू कैपिटल एम बाई एल। यहां से चुन्नू से मास की जो चुन्नू सा मास लिया है उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, एम बाई एल, और ये हो जाएगा हमारा डीएल, 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 ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया, बताइए, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब यहां पर इसी के सीक्वेंस में यहां पर भी आ जाइए, अगर हम इसकी जगह पर कोई एक सरफेस ले लें, कोई सरफेस ले लिया हमने, मान लीजिए तो हमने सरफेस ले ली ऐसी जो आपको समझ में आए, वो सरफेस है ये, सर ये सरफेस ले ली, इसके पास L भी है, इसके पास B भी है, सर L और B को मिलाने पर क्या बनेगा, तो कहेंगे सर L और B को मिलाने में एरिया बनेगा, ठीक है। अब कहा कि इसका मास जो है M है इस पर, ठीक है, तो हमने कहा सर लैम्डा पहले निकाल लीजिए, तो M बाई A इसका लैम्डा हो गया, ठीक है, M बाई A, M क्या है टोटल मास, A क्या है टोटल एरिया, डिवाइड कर दिया, ये लैम्डा बना गया आपका ये, ठीक है। अच्छा, मैंने आधा फार्मूला लिखा यहाँ पर, एम बाई, ठीक है ना, m बाई ए, कैसे, इस टोटल सरफेस का एरिया है 1000 मीटर स्क्वायर, इस टोटल सरफेस का एरिया है 1100 मीटर स्क्वायर, इसका मास दिया है 1000 केजी, तो हम कहेंगे सर बताइए कि 1 मीटर स्क्वायर पर कितना मास है, तो आप क्या कहेंगे, बिल्कुल बता देंगे, टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, कट करेंगे कितना हो जाएगा, बचेगा कितना, 1 मीटर पर कितना आ रहा है, 10, क्या रहा है, 10 केजी पर मीटर स्क्वायर, मीन्स 10 किलोग्राम प्रति मीटर पर है, मीन्स 10 किलोग्राम 1 मीटर स्क्वायर के छोटे से चुन्नू से एरिया पर है। तो चुन्नू सा एरिया कौन सा है, तो वो चुन्नू सा एरिया है आपका ये वाला, ये चुन्नू सा एरिया हो गया, इस चुन्नू से एरिया का नाम दे दिया हमने क्या, डी ए नाम दे दिया इसको। अब कहा सर चुन्नू सा एरिया तो आपने नाम दे दिया, पर यहाँ पर चुन्नू सा मास कितना है, तो चुन्नू सा मास हो जाएगा आपका डी एम बाई डी ए, बताइए कोई दिक्कत। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अभी जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे तो हमें डी ए डी एम निकालना पड़ेगा, फिर आप कहेंगे सर ये कैसे आ गया, तब आप मुंह फैलाएंगे, इससे अच्छा है कि पहले मुंह फैला लो, ठीक है ना। इतना हो गया, अभी हमारा हो गया डी एम, ये हो गया डी ए। अब देखो डी ए के दो फैक्टर्स बन रहे हैं, कौन से फैक्टर्स, तो डी ए का बन रहा है पहले एल इंटू डी बी, बी है ना, दूसरा बनना डी ए इज इक्वल टू बी इंटू डी एल, कहेंगे सर ये क्या हो गया। देखो अगर हम डिस्टेंस एल की रिस्पेक्ट में बी को बढ़ाएंगे, बी को, ठीक है, तो हम यहाँ पर डी बी लेंगे, अगर हम एल को वेरिएंट करेंगे तो यहाँ पर डी एल लेंगे, जब हम बी को वेरिएंट करेंगे तो हम डी बी लेंगे, जब एल को बढ़ाएंगे तो डी एल लेंगे, काम खत्म, क्लियर ना। इतना यहाँ से हमें डी एम की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें डी एम का मान रखना पड़ेगा किसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन आई डी आई इज इक्वल टू एम डी एम इंटू आर स्क्वायर, मीन्स यहाँ पर देखो मैं लिख दे रहा हूँ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर इंटू डी एम, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। अब कहेंगे सर ऐसे ही वॉल्यूम का बता दीजिए, हमने कहा बिल्कुल बता देंगे, कैसे निकालना है इसका, देखो ये हो गया हमारे पास क्या, ये हमारे पास हो गया एक क्यूब, ये कहेंगे क्यूब क्या होता है सर, क्यूब वही होता है लाल मेरे जो सभी जगह से बराबर हो, ठीक है, तो ये हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया ए, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, इस पर मास डिस्ट्रीब्यूट है एम डिस्ट्रीब्यूट है, तो बहुत ही सिंपल है, हमने यहाँ पे भी लैम्डा लिख दिया, ओ सो सॉरी आप लोगों ने बताया भी नहीं, कितने गंदे हो गए बताओ, रो इज इक्वल टू एम बाई वी इज इक्वल टू डी एम बाई डी वी, ये हो गया आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब मास डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि अभी जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे उस टाइम पर हमें डीएम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग सरफेसेस के लिए अलग अलग हमें डीएम फाइंड करना पड़ता है सर, क्यों, क्योंकि हमें पर पॉइंट पर अलग अलग मास की लोकेशन पता है, बट उसका मास कितना है उस लोकेशन पर हमें ये पता नहीं रहता, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हम जब क्या निकालेंगे, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो यहाँ से वैल्यू उठाएंगे, जब हॉलो का निकालेंगे तो यहाँ से उठाएंगे, जब रॉड का लेंगे तो यहाँ से लेंगे,
हर चीज़ एक एक सीक्वेंस के बाद में थोड़ी सी चेंज होगी, उस थोड़े से बदलने को हम लोग क्या कहते हैं, आपको बताना है। चलिए इसके आगे चलते हैं फटाक से हम लोग। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसमें आएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेते हैं फटाफट। किसका पहले फाइंड करेंगे बताइए? सबसे पहले हमारे पास क्या रहती है? रॉड, डंडी, मास्टर साहब की डंडी रहती है, उस डंडी को उड़ाना है हमको। सभी को उड़ा दो एक लाइन से, ठीक है ना, डंडी से सबको उड़ा दो, फिर कर दो लाइट, कर दो बंद। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, ठीक है ना। तो हमारा ये हो गया सारा का काम खत्म। अब हम लोग चल रहे हैं इसके आगे, आगे के लेवल पर। देखो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने इसीलिए आपको पढ़ाया है कि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में जो आपका ये मोमेंट ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो कैसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे कि फटाफट आ जाए, ठीक है। वो आपके लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, फिर भी देखना तो पड़ता है। तो कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्टिन्यूअस कैसे निकालते हैं? हमारे पास एक रिंग है, रिंग के दो तीन शेप हैं, उन्हें समझ लो पहले। हमारे पास एक रिंग है, उस रिंग को कैसे हम लोग समझें? तो रिंग, हाँ रिंग देखो बनाता हूँ मैं। तो हमारे पास ये एक रिंग हो गई भैया, पहले समझ लो इसको थोड़ा सा। ये रिंग हो गई, ठीक है, ये इसका है कौन सा व्यू है? तो ये रिंग ऐसे रखी हुई है, हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू हो गया, ठीक है। इस टॉप व्यू के लिए ये इसका सेंटर हो गया, और इसी सेंटर पर ये देखो इसका इतनी मोटाई होगी इसकी, ठीक है, मोटाई होगी। पर इससे पहले हम लोग को क्या पढ़ना था? हम लोग को रॉड पढ़नी थी, हम लोगों ने गलत पढ़ लिया, तो कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ रॉड पढ़ लेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, एक पतली सी रॉड है, ठीक है, पतली सी रॉड है, पतली सी रॉड है, ओके। और इस रॉड के दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी, पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है ना। इस पॉइंट का ये सेंटर पॉइंट है, और यही है इसकी एक्सेस, यही है इसकी एक्सेस, ठीक है। इसी एक्सेस की रिस्पेक्ट में ऐसे चुनचुना के घूम रहा है, चुनचुना के घूम रहा है, चुनचुना के घूम रहा है, ठीक है। फिर कहेंगे सर ओके घूम रहा है, कोई बात नहीं है, मान लिया घूम रहा होगा, ओके। तो कहेंगे सर इसकी लेंथ कितनी है? तो हमने कहा भैया 2 मीटर की लेंथ है, 2 मीटर की लेंथ है, 2 मीटर की लेंथ हो गई। कहा सर इसका मास कितना है? तो हमने कहा बेटा मेरे लाल इसका मास है एम, ठीक है। अब कहेंगे सर इसका चुन्नू सी लेंथ कितनी है? चुन्नू सी लेंथ है इसकी डीएल, और चुन्नू सा मास कितना है? डीएम। बस लगा दो फॉर्मूला, कौन सा? मास डिस्ट्रीब्यूशन का, लैम्डा इज इक्वल टू डीएम बाई डीएल इज इक्वल टू एम बाई एल। बताओ कोई दिक्कत? हमें किसकी वैल्यू चाहिए? डीएम की चाहिए, क्यों? अभी बता रहा हूँ, डीएम इज इक्वल टू एम बाई एल डीएल। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस मास तो कितना हो जाएगा? डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या रखेंगे यहाँ? रखेंगे चुन्नू से मास के लिए कितना? एल स्क्वायर, ठीक है, चुन्नू से मास के लिए कितना रखेंगे? एल स्क्वायर, और कितना रखेंगे? डी एम, ठीक है। अब डी एम की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, डी एम वो वाला डी एम उठा दो, तो इन्हें रखना है डी एम को, पागल हो गया, डी एम को कैसे रख दोगे? अच्छा अब वैल्यू रख दिया, बट अभी एक कंडीशन बाकी है। अच्छा कितनी से कितनी लिमिट? देखो ये चुन्नू से हमने लेंथ लिया है, चुन्नू सा लेंथ डीएल। अब देखो ये इधर ये एक्सेस है, ये इधर जाएंगे तो प्लस एल बाई टू हो जाएगा, इधर आएंगे तो माइनस एल बाई टू हो जाएगा। दोनों का सम करेंगे कितना हो जाएगा? एल हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। तो माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक आप इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। तो अब यहाँ पर भी डीएम की वैल्यू भी रखनी है हमें, तो ये हो जाएगा हमारा कैसा? इंटीग्रेशन एल बाई टू प्लस का एल बाई टू एल स्क्वायर, डीएम कितना रखना है? एम बाई एल और डी एल। अब इसको बढ़ा दीजिए, देखो ये कांस्टेंट है, इसको बाहर फेंक दीजिए साइड में, ये हो गया इतना। अब ये जाएगा एल स्क्वायर, यहाँ जाएगा डी एल, यहाँ जाएगा माइनस का एल बाई टू, यहाँ जाएगा प्लस का एल बाई टू। अब बच्चा बच्चा जानता है क्या कि अब शाहरुख खान आने वाला है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, डी एक्स क्या होता है? एक्स क्यूब बाई थ्री होता है, तो यहाँ पे रख दो। अब इसकी जब वैल्यू रखो तो हो जाएगा कितना? एम बाई एल, ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपका एल एल क्यूब बाई थ्री,
लिमिट कितनी है माइनस की एल बाई टू से कितनी प्लस एल बाई टू तक है कि नहीं, ये बताओ है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, है बिल्कुल है। अब रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका भी इंटीग्रेशन करते हो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आई। अब यहाँ पे कितना बचेगा एम बाई एल, एम बाई एल, वहाँ से कितना हो जाएगा एल की पावर थ्री बाई दो का पहाड़ा पढ़ो टेबल तीन बार, टू फोर एट, टू फोर एट माइनस का, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा एल की पावर थ्री, ये कितना हो जाएगा एट। अब बताओ कितना हो गया, अब इन दोनों को सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा बताइए, तो हो जाएगा एम, फिर कितना बचेगा एल, यहाँ से कितना हो जाएगा एल क्यूब, यहाँ से कितना हो जाएगा टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा एट। ओ इट्स माई मिस्टेक सर, हियर इज थ्री, हियर इज थ्री एंड दिस दिस उडिंग क्या हो जाएगा, दिस एंड दिस उडिंग हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व। ओ माई गॉड, ओ माई गुडनेस, ये हो गया हमारा क्या फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू दिस, ये क्या आया है किसकी रिस्पेक्ट में है, ये एक्स एक्स की रिस्पेक्ट में है। अब यहाँ पर एक्स एक्स कहाँ है, अब ये भी कंडीशन है, देखो अगर रॉड को ऐसे रखेंगे तो ये इसकी एक्सेस हो गई, ये ऐसे घूम रहा है भाई साहब, ठीक है। अगर इसी रॉड को यहाँ से ना घुमा के यहाँ से घुमा दें, कहाँ से घुमा दें, तो हमने कहा भैया यहाँ से नहीं हम घुमाएंगे, हम इसी को पॉइंट को पकड़ के ऐसे घुमाना चाहते हैं। अब ये कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी ऐसे घूमेगी, ऐसे करके घूम के आएगी, मतलब ये ऐसे घूम के आएगी, मीन्स आपकी तरफ से देखो ये ऐसे घूम के आएगी, इसको फिक्स कर दिया, हिंज कर दिया हमने, फिक्स करने के बाद में क्या करेंगे, तो लिमिट कितनी हो जाएगी बस ये समझ लीजिए, बाकी तो खेल आप कर ही लेंगे क्योंकि आप तो खेलने वाले हैं। ये हो जाएगा L, जीरो से L लिमिट कर दीजिए, बाकी खेल इतना ही रखिए। तो जीरो से L करने के बाद में कितना हो जाएगा, ऊपर वाला साफ कर देता हूँ, है ना, ये वाला साफ कर दे रहा हूँ, यहीं पर आ जाएगा, जीरो से L लिमिट कर दो, बस हो गया खेल। तो यहां पर हो जाएगा कितना हमारा, देखो यहाँ पर इतना दिया है, यहाँ पर इतना हो गया। अब इस लिमिट को चेंज करोगे, जीरो से एल करोगे, यहाँ पे कितना आएगा एम एल थ्री, तो इतना ही हो जाएगा। आई इज इक्वल एम एल स्क्वायर बाई थ्री, ये क्या आ गया है बताइए, ये आ गया है आपका क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड ऑन वन एंड, ठीक है। किसी एक एंड की रिस्पेक्ट में जब ये रॉड रोटेट करेगी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम एल स्क्वायर बाई थ्री। और अगर ये सेंटर से रिस्पेक्ट करेगी, मीन्स यहाँ से रोटेट करेगी, तो कितना होगा 12, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन बनाने वाले के दिमाग देखो क्या कर दिया उसने, उसने कहा कि एक रॉड है यहाँ से रोटेट हो रही है सेंटर ऑफ मास से, दूसरी रॉड एक एंड से रोटेट हो रही है, दोनों के बीच में रिलेशन कितना बता दीजिए। तो कहेंगे सर वेरी सिंपल, कैसे कर सकते हैं इसको देखो मेरे लाल, अब देखो कितना हो जाएगा। अच्छा ये भी एक्स एक्स है बट ये दूसरा है एक्स एक्स, तो हमने क्या किया एम एल स्क्वायर बाई, एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू वन बाई फोर इज इक्वल टू आई एक्स एक्स, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू कितनी है, चुन्नू सा एक्स एक्स इंटू फोर एक्स एक्स, ये क्या है, ये है वन एंड, और ये क्या है, ये है सेंटर ऑफ मास, दोनों का रिलेशन भी समझ लीजिए, एक ही साथ एक तीर से दो निशाने, ठीक है ना। अब आगे चलिए फटाफट, इतना क्लियर हो गया ना, वही रिंग जिसको जिसका फैक्ट क्या है, आपको किसी को देना है रिंग, वही वाली। तो हमारे पास है एक रिंग, ठीक है भैया, ये हो गई गोल सी रिंग, हाँ ठीक है, और ये हो गए इसके दो एक्सेस, पहला एक्सेस दूसरा एक्सेस। देखो अगर ये एक्स एक्सेस हम ले लें और ये वाई ले लें, तो दोनों एक्सेस कैसे हैं, प्लेन में है, ठीक है, ऐसे एक्सेस है, पर जो तीसरा एक्सेस होगा वो इसे परपेंडिकुलर होगा, देखो ठीक है ना, परपेंडिकुलर। अब जो परपेंडिकुलर एक्सेस होगा उसके लिए हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे, साइड भी बनाएंगे ये, और ये भी उसका ऐसे होगा कुछ, ठीक है, ये एक्सेस हो गई। अब देखो इस वाले पॉइंट से पहले मैं रिंग बना देता हूँ इसको, है ना, फिर आगे खेल तमाशा करते हैं हम लोग। ये हो गई रिंग, तो हमने कहा भैया इसमें क्या करना है, तो हमने कहा सर कुछ नहीं करना है, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही खेल है, ये तो बहुत ही खेल है, कहा ओके खेल है। तो ये देखो इसकी रेडियस हो गई, पहले तो यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस हो गई आर, ठीक है, रेडियस हो गई आर, ठीक है। अब कहेंगे सर मास कितना है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल मेरे लाल मास चुना चुनू सा है, तो हमने ले लिया इतना सा मास, ये क्या है चुन्नू मास डी एम, ठीक है। फिर कहेंगे सर इसमें डी एम आपने लिया है, मज़ा नहीं आ रहा है,
तो देखो यहाँ पर मास नहीं है, यहाँ पर मास नहीं है, यहाँ पर कहीं पर बीच में मास नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट मीन्स आर रेडियस जैसे स्टार्ट हो रही है उसी रेडियस पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है। तो सारे डीएम 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 को जोड़ देंगे। कितने से जोड़ना है? तो हमारे पास, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये जीरो है, फिर घूमते 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 डीएम मतलब एम तक आ गए, जीरो से एम तक चले गए। तो जीरो से एम तक जाएंगे तो लिमिट कितनी हो जाएगी? जीरो से एम तक किसकी? मास की। ठीक है, फॉर्मूला क्या था हमारे पास? आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमने कुछ माना तो है नहीं, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले है ही नहीं, कुछ डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, सारी तो यहीं पर लटके हुए हैं मास। तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा डीएम, ये क्या हो जाएगा? आई। अब देखो ये हो जाएगा जेड, आई जेड। ठीक है, अगर ये एक्स है ये वाई है तो ये जेड हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तो ये हो गया इतना। अब देखो कुछ नहीं करना है हमें, सिंपल सा निकालना है आई जेड कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कितना? एम आर स्क्वायर। कैसे? देखो डीएम का हो जाएगा एम, लिमिट रखेंगे तो उतना ही आ जाएगा एम आर स्क्वायर। तो किसी भी रिंग का जो मोमेंट ऑफ मास होता है वो इतना होता है। अब इसमें एक और चीज़ समझने वाली है कि सर इसमें आई एक्स कितना होगा और वाई आई वाई कितना होगा। तो अगर आप थोड़ा सा समझना चाहते हैं तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी? सेम होगी। ठीक है, इन दोनों के लिए सेम होगी, क्योंकि दोनों की प्लेन पे है, एक ही रेडियस पे है, सिमेट्री भी ले रहे हैं। एक्स और वाई दोनों सिमेट्री ले रहे हैं, पर जेड सिमेट्री नहीं ले रहा भाई साहब। ठीक है, जेड की वैल्यू दूर है इसलिए आई और एक्स इक्वल होंगे। अब देखो इसकी वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? हाफ एम आर स्क्वायर। इसकी कितनी आएगी? हाफ एम आर स्क्वायर। ये हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे क्या पैरेलल एक्सेस। ओके, अब देखो यहाँ पे समझ लो, ये जेड एक्सेस है और ये इसकी हो गई एक्स एक्सेस और ये हो गई इसकी वाई एक्सेस। इसके रिस्पेक्ट में, इस एक्सेस की रिस्पेक्ट में अगर इसको घुमाएंगे ना ऐसे करके ऐसे, तो ये जेड हो गई। ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके, वो तो होता नहीं है वो जो खेल तमाशा दिखाते हैं। अब देखो ये हो गया हमारा किसका? रिंग का। ठीक है, अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट नंबर टू। कॉन्सेप्ट नंबर टू ये है कि हमारे पास सिलेंडर का भी नहीं है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सिलेंडर भैया बनता कैसे है? तो हमने कहा बिल्कुल बताते हैं कैसे बनता है। ये हमारा हो गया सिलेंडर, ठीक है, ये हो गया सिलेंडर। ठीक है, कहा जी सर सिलेंडर तो आपने बना दिया बढ़िया खूबसूरत सा। ठीक है, पर अगर हम इसको काटें, इसको काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, सारा सिलेंडर हमने काट दिया छोटे छोटे भागों में। जब हम छोटे छोटे भागों में सिलेंडर को काट देंगे इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक, ऐसे 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 ऐसे, ये सारे हम काटते जा रहे हैं इसको, ये हमने सब काट दिया। ठीक है, काटने के बाद हमें क्या मिलेगी? ऊपर की रिंग, नीचे की रिंग, सारी रिंग्स मिलेंगी। मतलब क्या है, हम अगर कई रिंग्स को आपस में जोड़ दें, ये एक रिंग हो गई, फिर ये दूसरी रिंग हो गई, तीसरी रिंग हो गई, चौथी रिंग हो गई, ये हो गई पांचवी रिंग, छठी रिंग, सातवीं रिंग, आठवीं रिंग और नौ रिंग, इन सभी को हमने जोड़ दिया। अब तो क्या बन गया बताओ? बन गया सिलेंडर ना, सिलेंडर बन गया। तो सिलेंडर बनने के साथ में ये इसकी एक्सेस कौन सी होगी बताइए? अब देखो दो चीज़ें हैं, सिलेंडर अगर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो इसकी एक एक्सेस हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है ना। फिर ये हो गई आपका, ये देखो जेड एक्सेस हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब किसी भी एक एक्सेस के पर अगर ये वाली एक्सेस लेंगे तो ये दोनों एक्सेस होंगी, ये वाली एक्स और ये वाली एक्स, दोनों एक्सेस कैसी होंगी? दोनों एक्सेस होंगी प्लेन पे। मींस ये वाली एक्स और ये वाली एक्स प्लेन पे होगी, ये इसके परपेंडिकुलर होगी। इस परपेंडिकुलर एक्स की रिस्पेक्ट में इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? पहले मैं इनकी लिख देता हूँ, वन बाई टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, एम आर स्क्वायर, इसको समझ लीजिएगा बाद में। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। सर ये आपका हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर अबाउट एक्सिस ऑफ द परपेंडिकुलर दिस। ओके, ठीक है। अब हमारे पास आता है क्या? रिंग के बाद आता है डिस्क। ये क्या है? रिंग। ये क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर। अब आइए डिस्क पे। तो डिस्क पे सबसे पहले आने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि डिस्क होती कैसी है? डिस्क भैया ऐसी होती है, सिलेंडर वही सीडी वाली डिस्क आपने देखी है। तो सीडी वाली डिस्क के पास में इसके पास होता है एक एरिया। तो ये हो गया इसका एरिया। तो हम निकालेंगे सबसे पहले एरिया, इसका कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया। तो ये रेडियस हो गई आर, ठीक है, और ये इसका चुन्नू सा हो गया, ये इसका चुन्नू सा और हो गया, ये चुन्नू सा और हो गया, चुन्नू 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 से मिला दिए हमने, ये चुन्नू मिला दिए इसको। तो अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा हमें मास। तो डी एम बाई
डी ए इज इक्वल टू एम बाई टोटल मास डिवाइड टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें डी ए की वैल्यू निकालनी है, तो डी ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास देखो ये पूरा का पूरा डिस्क है ना, पूरा का पूरा डिस्क है ये पूरी की पूरी डिस्क है। डिस्क के साथ में हमने क्या किया, इस डिस्क को ऐसे डिवाइड कर लिया एक छोटे से एरिया में ये, ठीक है। अब ये इसकी आउटर लेयर थी, हमने एक छोटा सा भाग लिया किसका, इसकी रेडियस का छोटा सा भाग कौन सा, ये डी आर, ये क्या लिया हमने डी आर, और इस डी आर को जोड़ते गए, जोड़ते डी आर 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 सब डी आर डी आर करते गए, तो डी आर डी आर जोड़ते क्या बन गया, सरकमफ्रेंस बन गया। सरकमफ्रेंस कितना होता है, टू पाई आर होता है, तो डी एम कितना हो गया, यहाँ से डी एम हो जाएगा एम बाई पाई आर स्क्वायर इंटू डी ए, और डी ए कितना है भाई साहब, तो डी ए होता है एरिया, एरिया मतलब सरकमफ्रेंस इंटू डी आर, ये बस इतना हो गया। तो डी एम कितना आ गया हमारा, एम बाई पाई आर स्क्वायर, और कितना, टू पाई आर और डी आर, कुछ कट्टम पट्टम हो रहा है, तो बहुत कुछ कट्टम पट्टम हो रहा है, ये कट्टम कितना बचा, एम बाई आर स्क्वायर, यहाँ क्या बचा, यहाँ बच रहा है टू, और यहाँ बच रहा है आर, ये बच रहा है डी आर, इतने तो बच रहा है ना हमारे पास, हाँ ओके इतना बच गया, ये हमारा क्या आ गया, डी एम आ गया, ओके ये हमारा आ गया डी एम। अब डी एम आ गया है, बस हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, साफ कर देता हूँ इसको फटाफट, है ना, फिर आगे फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। तो ये हमारा इतना हो गया खेल, फिर आगे चलिए फटाफट, ओके इतना हो गया। अब हमारे पास डीएम आ गया, अब देखो फिर से समझ लो एक बार, हमारे पास एक डिस्क है, ये डिस्क हो गई, इस डिस्क की रेडियस है आर, आर ठीक है ना, रेडियस है आर, क्योंकि डिस्क पतली होती है ऐसे, ठीक है, इतनी पतली होती है डिस्क, डिस्क का एरिया भी होता है, ठीक है, पूरा का पूरा एरिया, और मास जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो छोटे छोटे पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरी सरफेस पे, क्योंकि ये कैसी होती है, सॉलिड टाइप की होती है, इस टाइप समझ लो इसको ऐसे, ठीक है, यहाँ पर चुनस छेद होता है बस, हालांकि उसकी हम उसको हम निरीक्षण कर दे रहे हैं, तो इतना हो गया। अब यहाँ से हमने क्या निकाला, डीएम निकाल लिया, डीएम निकालने के लिए क्या किया, हमने पहले इसका एरिया निकाला, टोटल एरिया हमारे पास कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया आ गया, ठीक है, टोटल मास कितना है, एम है, और छोटा डीए कितना है, छोटा सा डीए कौन सा है, जो हम लोग क्या लेंगे, इसकी सरफेस के लिए लेंगे, तो हमने माना कि इसमें हमने इसकी रेडियस को बढ़ते हुए छोटा डी आर मान लिया, और इस डी आर को जोड़ते गए तो क्या बना, एरिया, और एरिया के लिए हमने क्या किया, टू पाई आर कर दिया और डी आर कर दिया, बस मास तो आपको पता ही है, बस ये फार्मूला अपना दिया, कौन सा फार्मूला आपके पास है, डी एम बाई डी ए इज इक्वल टू एम बाई ए, ठीक है, मास डिस्ट्रीब्यूशन का, और कॉन्टिन्यूस मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या करते हैं, आई डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी आर, नहीं डी एम, तो डी एम की वैल्यू रख दीजिए, आर की वैल्यू रखी हुई है पहले से ही, तो इंटीग्रेशन आर स्क्वायर कितना रखना है बताइए, 2m, 2m देखिए लिखा हुआ, 2m बाई आर स्क्वायर आर डी आर, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 2m बाई आर स्क्वायर बाहर करेंगे हो जाएगा आर क्यूब डी आर। अब कहेंगे सर लिमिट कहाँ है इसमें, तो मेरे लाल लिमिट है ना जीरो से r तक, कहेंगे सर जीरो से r तक लिमिट क्यों ली, तो देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे छोटे छोटे गोले बनाने, ठीक है, तो जीरो से लेके आर तक तो जाएंगे ना, तो जीरो से आर हो जाएगा बस इंटीग्रेशन टू एम बाई आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, आर फोर बाई फोर, ठीक है ना, कैसे समझ लो, थ्री है एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी, ये होता है फॉर्मूला मेरे लाल, इतना याद रखो, और जीरो से आर तक मैंने लिमिट भी रख दी है, उसको हटा दो बस। अब आपको वैल्यू सॉल्व करनी है, तो टू एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर फोर बाई फोर, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, तो आपको पता है कितना, वन बाई टू एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई एक्स, बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये किसकी रिस्पेक्ट में निकाला ये बता दीजिए, चलिए तो देखो यहाँ पे समझने वाली बात, फिर से समझ लो एक बार, ये इस प्लेन की रिस्पेक्ट में निकाला है, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है,
इस प्लेन की रिस्पेक्ट के परपेंडिकुलर में निकाला है। अब इसमें जो ए एक्स होगा, जो वाई होगा, एक्स और वाई जो होगा वो दोनों इक्वल होंगे, ये भी याद रखिए। तो यहाँ पर ये हमने निकाला है जेड, तो ये जो हमने यहाँ बताया ना, ये वाला एक्स, ये वाई और वाई हो गया, ये एक्स हो गया, तो आई एक्स और आई वाई, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई, कितना आएगा इन दोनों की वैल्यू, 1/4 एम आर स्क्वायर। यहाँ पे कितनी आई है, 1/2 एम आर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, डिस्क हो गया, ये हो गया आपका रिंग, और डिस्क रिंग और सिलेंडर। इसके आगे हम लोग अब देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्पीयर, हॉलो स्पीयर, फिर आपका कोन, फिर आपका रेक्टेंगुलर, फिर एक ट्राइंगल, इन सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग देखेंगे। अगर आपको चीज़ें पसंद आई हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना प्यार ऐसे ही देते रहे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।